कोरोना संकट के दौरान केंद्र सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक आज हमीरपुर जिला में करीब 5.5 महीनों के बाद स्कूलों को खोला गया, लेकिन पहले दिन स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बहुत ही कम रही है और वहीं बच्चे स्कूल पहुंचे जिन्हें कुछ शंकाएं थी। ऑनलाइन पेपर भी स्कूलों के चले हुए हैं जिनकी चेकिंग भी चल रही है और स्कूलों में आज पहले दिन 50% अध्यापकों ने उपस्थिति दर्ज करवाई है। स्कूल आने के लिए बच्चों को एक विशेष प्रकार के फॉर्म पर परिजनों की सहमति लेकर स्कूल में आने का प्रावधान रखा गया है। हमीरपुर के सीनियर सेकेंडरी बाल स्कूल में भी आज स्कूल खोलने के बाद अध्यापकों की 50% उपस्थिति दर्ज हुई और कुछ छात्रों ने भी स्कूल में आकर अपनी समस्याओं को सुलझाया है। स्कूल प्रिंसिपल नीना ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार के गाइडलाइंस के मुताबिक ही स्कूल को खोला गया है और 50% स्टाफ भी स्कूल में आया हुआ है। उन्होंने बताया कि जिन बच्चों को नोटबुक्स चेक करवानी है या फिर कमजोर हैं, ऐसे बच्चे ही आज स्कूल में पहुंचे हुए हैं। उन्होंने बताया कि बच्चों को स्कूल में एक फॉर्म दिया जा रहा है जिसे माता पिता से भरवा कर लाने के बाद ही बच्चे स्कूल आ सकते हैं। रिस्पॉन्स स्टाफ तो ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया कि आ रहा था, लेकिन आज 50% जो स्टाफ है वो स्कूल में है और अल्टरनेट डे पे उनको बुलाया गया है। जो आज नहीं आए हैं वो कल आएंगे, ऐसा रखा गया है। वो बच्चों की सहूलत को देख के रखा है ताकि ज़्यादा गैप टीचर के साथ बच्चों का ना बने। बच्चे जो हैं वो अभी तक कम आए हैं, जो जिन बच्चों को ज़्यादा ही पुअर परफॉर्मेंस रह रही है या नोटबुक्स वगैरह चेक करवानी है, होमवर्क दिखाना है या कोई बच्चों को प्रॉब्लम रह रही है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो पेरेंट्स की परमिशन के साथ वो बच्चे जो हैं वो स्कूल आ रहे हैं। बाकी मैडम स्कूल की क्या तैयारी है कोरोना से? स्कूल सैनिटाइजेशन है, सोशल डिस्टेंसिंग को लेके पहले अवेयर किया गया है। क्लास 4 से लेके प्रिंसिपल तक सारा स्टाफ जो है वो उसका खुद पालन करे और बच्चों को भी एजुकेट करे। NSS के बच्चों को इन्वॉल्व किया गया है ताकि वो थोड़ा सोसाइटी में भी अवेयरनेस दें और कैसे अपने आप को कोरोना से बचाते हुए लाइफ में आगे अपना अपने काम में हम आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए बच्चों का भी काफ़ी योगदान रहेगा और अध्यापक साथियों का तो भूमिका रहती ही है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सैनिटाइजेशन का पूरा प्रबंध है, यहाँ पे तो ऑलरेडी एग्ज़ाम्स वगैरह कंडक्ट हो रहे हैं तो वो ऑलरेडी हमारा सैनिटाइजेशन होने के बाद ही मॉर्निंग में स्कूल आते हैं। पहले दिन स्कूल पहुंचे अध्यापक विजय ने बताया कि स्कूल में बच्चों के लिए पूरी तैयारी की गई है और अगर बच्चे आते हैं तो उनके लिए अध्यापक तैयार हैं। उन्होंने बताया कि बच्चों को स्कूल में आने से फायदा होगा। उन्होंने कहा कि SOP के अनुसार ही बच्चे स्कूल में आएंगे तो बच्चों को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन शिक्षा में ज्यादा ठीक से काम नहीं हो पा रहा है और पेपरों की पूरी चेकिंग के बाद ही सारा पता चल सकेगा। नहीं, बच्चे अगर हमारे पास आते हैं, अभी तो हम लोगों ने जितने भी हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं उनके माध्यम से हमने सूचना दे दी है कि सरकार के जो आदेश हमें प्राप्त हुए हैं तो उसके हिसाब से बच्चे जो है विद द कंसेंट ऑफ देयर पेरेंट्स वो स्कूल जो है वो आ सकते हैं। तो जो भी बच्चे आएंगे, जाहिर सी बात है इससे तो उनको फ़ायदा तो होगा ही, एटलीस्ट हमें भी बच्चों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहन के आए, सारी जो SOP जो हमें जारी हुई इंस्ट्रक्शंस उसके अनुसार अगर आएंगे तो जाहिर सी बात है बच्चों को फ़ायदा ही होगा। उसमें ऐसा है कि अभी ये तो सबको मालूम है कि मॉनिटरिंग उतने अच्छे ढंग से नहीं हो पाई है जिस तरह के वो एग्ज़ाम वैसे नॉर्मल उसमें होते थे, पर जैसा भी है अभी देख रहे हैं टीचर सभी चेक कर रहे हैं तो उसका अभी पता चलेगा जब रिजल्ट इनके कंपाइल होंगे। देखिए फ़र्क तो रहेगा ही, जब टीचर सामने रहेगा तो बच्चे के जो डाउट्स हैं उनको वो क्लियर कर सकता है सामने फेस टू फेस, तो एक सरकार की अच्छी पहल है। स्कूल पहुंचे छात्र ने बताया कि बड़े दिनों से स्कूल बंद थे इसलिए आज स्कूल आकर अच्छा लगा है। उन्होंने बताया कि स्कूल में आने पर सैनिटाइजेशन करवाया गया है और स्कूल में आकर बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। अच्छा लगा क्योंकि बड़े दिनों से तो स्कूल बंद थे तो पढ़ाई भी ऑनलाइन उतना अच्छा से नहीं होता है ना, क्योंकि हमें आदत भी नहीं ऑनलाइन पढ़ने की, तो स्कूल आके अच्छा लगा क्योंकि हम स्कूल आके पढ़ सकते हैं। अब हाँ जी हाँ जी, सैनिटाइजेशन तो कल हो गई है ना, फिर अभी आ जाया हम तो अच्छा लगा स्कूल आके। शिक्षा उपनिदेशक BK नड्डा ने बताया कि स्कूलों को खोलने से पहले पूरी तैयारी की गई है और सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों में स्टाफ आएगा। उन्होंने बताया कि प्राइमरी स्कूलों के लिए अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं है, लेकिन प्राइमरी स्कूलों में भी 50%
स्टाफ को आने के निर्देश जारी किए हैं ताकि बच्चों को पढ़ाई का लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि स्कूलों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है ताकि बीमारी से बचाव हो सके। जो सरकार की गाइडेंस है वो तो 9th+1+2 के लिए है कि वहाँ 50% स्टाफ आएगा और बच्चे जो हैं ऑन द कंसेंट ऑफ द पेरेंट्स जो हैं डाउट जो अगर उनको हैं हर घर पाठशाला में जो होते हैं उनको सुधारने के लिए आ सकते हैं। परंतु प्राइमरी सेक्शन में ऐसी कोई गाइडेंस नहीं है फर्स्ट से लेकर 8th तक। उसके लिए हमने अपने लेवल पर टीचर्स को ये कहा हुआ है कि स्कूल में 50% स्टाफ जाए और स्कूल की देख रेख करे, वहाँ सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करे और हर घर पाठशाला का जो कार्यक्रम चला है वहाँ से ही उसकी मॉनिटरिंग करें प्रॉपर, ताकि बच्चों को जो है पूरा लाभ मिल सके। स्कूल में जो है बिल्डिंग्स को सैनिटाइज किया हुआ है, बाकी बच्चों के लिए जो है जैसे स्कूल प्रॉपर लगेंगे उसके लिए जो है गाइडलाइंस दी गई है कि आप लोग जो हैं वो सैनिटाइजेशन की प्रॉपर व्यवस्था करें, हैंड वॉश की करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए उनको प्रॉपर जो है गाइड करें, इस प्रकार से जो है व्यवस्था की है। बाकी अगर बाय द वे स्कूल चलते हैं तो उसमें जो है जब बिठाए जाएंगे तब भी सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जाएगा। नहीं चलो ऐसा है जैसा क्लासरूम टीचिंग होती है वैसी तो पॉसिबल होता नहीं है इन कामों से, परंतु बच्चों को बिल्कुल बच्चे डिटैच हो जाएं पढ़ाई से उससे जो है उनको टच रखते हुए थोड़ा उनको लाभ तो मिल रहा है।